तुम जानते हो पुनर्जन्म लेते लेते पार्ट बजाते बजाते अभी अंत में आकर पहुँचे हैं अब फिर वापस जाते हैं यह नॉलेज तुम बच्चों को ही है दुनिया में और कोई भी यह नॉलेज नहीं जानते हैं कहते भी हैं पाँच हजार वर्ष पहले पैराडाइज था बच्चे ध्यान में रखना पाँच हजार वर्ष तुम्हारे हिसाब से नहीं मेरे हिसाब से है तुम जानते हो पांच हजार वर्ष कितने में कन्वर्ट होते हैं मैं अगर तुम्हें कहूं ये पांच हजार वर्ष लाखों वर्षों में कन्वर्ट होते एक्सेप्ट करोगे पहली बार बोल रहा हूं पता है तुम्हें सौ साल की आयु है ना हर किसी की हर किसी की तो एक कीड़ा रात को जन्मा आधी रात और दूसरे दिन आधी रात को मर गया 24 घंटे उसका काल कितना था 100 साल अब हिसाब लगाओ एक कीड़े के हिसाब से 5000 वर्ष है मनुष्य के हिसाब से 5000 वर्ष है सूक्ष्म रूप में देवताओं के हिसाब से 5000 वर्ष है सतयुगी फरिश्तों के हिसाब से 5000 वर्ष है या सतयुगी देवी देवताओं के हिसाब से पांच हजार वर्ष है इसलिए ड्रामा का चक्र कोई जानता नहीं ये पांच हजार वर्ष क्या राज है किसी को नहीं पता बच्चे कोई जानता भी नहीं सौ डेढ़ सौ दो सो साल पहले भी लोग सौ सवा सौ डेढ़ सौ साल जीते थे अभी भी खबरें आती किसी किसी की तो फिर ये ड्रामा कैसा है कैसा ड्रामा है 1250 वर्ष में बयालीस जन्म है कलयुग के एक जन्म कितने का आया था उनतीस साल समथिंग तो फिर बच्चे तुम उनतीस साल में मर जाने चाहिए शरीर और बयालीस जन्म हो पाए क्या फटाफट इसलिए बच्चे पांच हजार वर्ष का ड्रामा किसी को पता नहीं इसके लिए बाप के साथ बैठना पड़ता है किस हिसाब से पांच हजार वर्ष किस हिसाब से समझ की बात है बच्चे चिंतन करने जैसी बात है मेरे अभी के हिसाब से पांच हजार वर्ष या परमात्मा के हिसाब से पांच हजार वर्ष बच्चे अभी के तुम्हारे पंचांग के एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से तीन सौ पैंसठ दिन का एक साल है मैं अगर कहूं दस हजार दिन का एक साल हो तो फिर क्या कहोगे दस हजार दिन का एक साल ये कोई है नहीं पर मैंने अगर कहा ऐसे अगर साल है उस हिसाब से पांच हजार वर्ष तो कितना लंबा होगा जानते हो इसलिए बच्चे आसान बहुत है पांच हजार वर्ष का जो पजल है उसे सॉल्व करना बस बाप के साथ बैठना पड़ता है उसके लिए बुद्धि चाहिए बुद्धि लगती है बच्चे समझ लगती है बाबा ये सॉल्व करके दे सकता है पांच हजार वर्ष क्या चीज है क्या चीज है समझ की बात है बच्चे चिंतन कर सिंपल बात है आज भी तुम्हारी दुनिया की पुरानी चीजें मिलती है कहते हैं कि ये 2000 साल पुरानी है ढाई हजार साल पुरानी है तो उसकी हिस्ट्री कहाँ गई हिस्ट्री तो तुम्हारे पास हजार साल की है बच्चे ड्रामा बहुत अलग रूप में है जिससे कोई जानता नहीं सारी समझ की बातें हैं सारी की सारी और दुनिया में ऐसी कोई चीजें नहीं भाई जो दो दो तीन तीन चार चार हजार साल टिक सके समझ के बाद एक पत्थर भी खलास हो जाता है कुछ समय के बाद बाकी की चीजें तो छोड़ दो इसलिए तुम जो देख रहे हो वो छोटा सा देख रहे हो तुम्हें जो पता नहीं ना वो आइसबर्ग पानी के नीचे पड़ा है कहते 95 परसेंट पानी के नीचे होता है पांच परसेंट ऊपर होता है समझ है बच्चे ये सारी बातें समझदारी की है सबकी बुद्धि में नहीं बैठेंगी साइंस अध्यात्म भक्ति वाला और बाप का ज्ञान सबका कॉम्बिनेशन करोगे ना तब ये सुलझेगा पांच हजार वर्ष क्या चीज है बस अपनी बात पकड़ के मत बैठो बस पांच हजार वर्ष पांच हजार वर्ष बाप एक बात पकड़ता है क्या कभी सबको लेकर चलता है ना तो साइंस क्या कह रहा है भक्ति क्या कह रही और ज्ञान क्या कह रहा है तीनों का कॉम्बिनेशन करो पता चलेगा पांच हजार वर्ष क्या चीज है समझ है बच्चे सारी चिंतन की बातें और तुमने अगर इसे सुलझा दिया तो दुनिया भी मानेगी और दुनिया भी तुम्हारे ज्ञान में आएगी आसानी से आएगी सारी समझ की बात है सारे के सारे समझने के लिए पहले अपने को समझना पड़ता है बाप को याद करना पड़ता है और बहुत सारा योग बल जमा करना पड़ता है फिर तुम इसे समझ पाओगे वरना कहोगे ये नहीं हो सकता अभी अगर मैं वहां कहूं एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं कुछ बता नहीं रहा हूं कि सतयुग में एक जन्म की आयु डेढ़ लाख वर्ष है मानोगे डेढ़ लाख वर्ष का एक जन्म है मानोगे क्या बात वही है समझ अभी सवाल यही है कीड़ों मकोड़ों के हिसाब से डेढ़ लाख मनुष्यों के हिसाब से डेढ़ लाख सूक्ष्म देवताओं के हिसाब से डेढ़ लाख स्थूल शक्तियों के हिसाब से सूक्ष्म शक्तियों के हिसाब से स्थूल देवताओं के हिसाब से डेढ़ लाख हिसाब किसके हिसाब से है ये समझना पड़ता है बच्चे हिसाब किसके हिसाब से समझ है बच्चे देख छोटी सी बात बता रहा हूं तुझे तेरे एक साल में जैसे लास्ट ईयर एक मास अधिक आया लास्ट ईयर कुछ दो आए थे दो मास अधिक आए थे ऐसे सुना था या एक हो सकता है एक मास अधिक आया फिर भी तू एक वर्ष ही मानता है ना ऐसे क्यों नहीं कहता एक साल और एक मास एक वर्ष ही क्यों कहा एक साल ही क्यों कहा तो इस पांच हजार वर्ष के एक साल में अनेक साल अधिक आ सकते अनेक साल अधिक आ सकते हैं पॉसिबिलिटी है यहां एक मास अधिक आ सकता है तो वहां भी आ सकते हैं मैं राज नहीं खोलूंगा मैं सिर्फ उन्हीं को बताऊंगा जो यहां पहुंचेंगे ये यह बाकियों को नहीं बताऊंगा असलियत में राज क्या है खेल कैसा है समझ है बच्चे वंडरफुल ड्रामा है मजा करना भगवान के ड्रामा के हिसाब से और माया के हिसाब से पांच हजार वर्ष हो जाबी कैसे कहते भी है पांच हजार वर्ष पहले पैराडाइज था परंतु वह क्या था यह नहीं जानते हैं जरूर आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था परंतु यह बिल्कुल नहीं जानते बच्चे सुनिए ना मुरली गुहराज अंत में सुनाऊंगा उसमें से एक बात समझ लेना ये वाली ड्रामा की यह बेहद के नाटक का नॉलेज सिर्फ एक बाप ही सुना सकते हैं और कोई सुना ना सके इसलिए कहता हूँ पाँच हजार साल का राज बच्चे तुम कितनी भी माथा मारी करो तुम्हें नहीं मिल पाएगा एक बाप ही जानता है और वो समझने के लिए बाप के पास बैठना पड़ता है वरना संकल्प विकल्प चलेंगे ऐसे कैसे हो सकता है बाबा ने तो कहा पांच हजार साल हाँ बच्चे मैंने कहा ना पांच हजार साल मैंने कब कहा सतयुग में एक साल में कितने दिन होते हैं मैंने कहा ना दस हजार भी हो सकते एक लाख भी दिन हो सकते बोल क्या करेगा एक लाख दिन तो बारह मास बोल रहा है मैं बोल रहा हूं बारह सौ मास हो सकते एक साल में बारह हजार मास हो सकते एक साल में अब बोल क्या करेगा क्या जानता क्या है बच्चे तू तेरे बारह मास किसने बनाए ये तेरा जनवरी फरवरी किसने लाया यूरोप वासियों ने लाया ना भाई जनवरी फरवरी कोई अनादिकाल से आया हुआ नहीं है हाँ पंचांग अनादिकाल से पर वो कौन से युग में बदला है तू जानता है कब से बदला है तुझे पता है कब से बारह मास में कन्वर्ट हुआ है पता है तुझे आप हमें बताओ ये जो बारह मास चलते हैं इसके अगर हमने तीस मास बना दे क्या समझ में आएगा तीस मास बना दे जैसे अपना चैत्र अभी चैत्र चल रहा है ना शायद चैत्र यह खत्म हो गया कलमावस्या हो गई वैसा कहा गया ऐसे बना दिया चैत्र एक चैत्र दो चैत्र तीन चैत्र चार उसके बाद वैशाख एक वैशाख दो वैसाख तीन वैसाख चार ऐसे बारह इंटू चार फोर्टी एट वो हो गया एक साल फिर क्या जानता है बच्चे एस्ट्रोलॉजी कब बदली कैसे बदली सूरज चांद की ग्रह तारों की गति कब बदली कैसे बदली अभी ग्रह तारे तेज क्यों घूम रहे हैं स्पीड क्यों बढ़ा हुआ है यूनिवर्स का क्या जानता है इसलिए बच्चे ये सारे राज सिर्फ बाप के पास ही समझोगे बेहद के नाटक के बाकी कहीं नहीं समझ सकते और यही समझना समझ है बाकी क्या समझोगे बच्चे सतयुग में ऊंचे वस्त्र पुष्पक विमान ऊंचा खान पान अलंकार वो तो डबल माया है बच्चे यहां से समझ के बात है चिंतन करना समझना है तो इसे समझो इस ज्ञान को समझो बाकी बच्चे तुम्हारा भाग्य ड्रामा